क्वेश्चन नंबर 50, 0 से पाई बाय 4 इसकी लिमिटिंग वैल्यू है और क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस कॉस 4 थीटा और डी थीटा, ये 0 से पाई बाय 4 लिमिटिंग वैल्यू। इसको देख के हमें पता चला कि कॉस 4 थीटा की जगह पे हमने यहाँ पे 2 साइन स्केयर 2 थीटा राइट करना है। ये फार्मूले में इनकी वैल्यू दी होती हैं, तो हमने वहाँ से ये वैल्यू पुट की है 2 साइन स्केयर 2 थीटा, और 1 माइनस 2 साइन स्केयर 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्केयर 2 थीटा के, तो अंडर रूट की फॉर्म में मैंने इसे लिखा और इस स्केयर से अंडर रूट कैंसल हो जाएगा, पर 2 के ऊपर 2, क्योंकि 2 के ऊपर से अंडर रूट ख़त्म नहीं होगा क्योंकि इसका कोई स्केयर नहीं है, तो साइन स्केयर 2 थीटा का सिर्फ होगा अंडर रूट ख़त्म, अंडर रूट 2 के ऊपर वैसे के वैसे ही रहेगा। आगे चलते हैं, तो कॉन्स्टेंट 2 को हम शुरू में ले आए, ये 0 से पाई बाय 4 लिमिटिंग वैल्यू है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा किसके इक्वल, साइन 2 थीटा मतलब ये अब कोई आगे फार्मूला नहीं बन रहा, तो हमने इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन सोल्व कर देना है। अब अंडर रूट 2 माइनस ये कॉस का साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, क्योंकि 2 कॉन्स्टेंट इसके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 के नीचे डिवाइड भी करना है, माइनस का कॉस 1, माइनस का 1 बाय 2 मैंने शुरू में ले लिया, माइनस का 1 बाय 2 कॉस 2 थीटा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब मैंने सोल्व इसमें पुट की है तो ये आंसर आया इसका, माइनस का 1 बाय 2 अंडर रूट 2 और 0 माइनस 1, मतलब 0 पुट करने से कॉस 0 1 वैल्यू देता है, तो इसलिए जब इसको 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 आंसर आ गया, और जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1 बाय 2 माइनस का 1 बाय 2 अंडर रूट 2, यही इसका आंसर है। थैंक यू, ये माइनस भी साथ में रहेगा।